दिस इज नीरज गर्ग एंड यू आर वॉचिंग क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स. प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर. जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो हम एक मेथड होता है कंट्राडिक्शन मेथड, उसको हम यूज करते हैं. कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि अगर हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो उसका जस्ट अपोजिट रैशनल नंबर लेट करके चलेंगे. सो हमने लेट किया कि रूट 3 प्लस रूट 5 भी आर रैशनल नंबर. रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ए अपॉन बी, बी अपॉन क्यू, एक्स अपॉन वाई, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं. सो हमने लेट कर लिया कि रूट 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो. को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? को प्राइम इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली वन होता है, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जिनका एचसीएफ वन होता है, राइट? वो को प्राइम इंटीजर्स होते हैं. एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो. बी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. अगर बी जीरो हो जाएगा तो ये पूरी डिजिट ए अपॉन बी पूरी की पूरी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, राइट? अब हम इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे. जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हम दोनों साइड स्क्वायर आ जाएगा, राइट? इसके बाद हम इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3. रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5. हमेशा ध्यान रखो, जब रूट को रूट से रूट 3 इंटू रूट 3 करते हैं या रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आ जाता है. सो 3 प्लस 5 प्लस 2ab, ए रूट 3 है एंड बी रूट 5, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, राइट? देन 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8. अब बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, 3 प्लस 5 प्लस 2 10 लिख देंगे. नहीं, 3 प्लस 5 8 आएगा और ये रूट 3 इंटू रूट 5 आपस में मल्टीप्लाई होकर रूट 15 हो जाएगा और ये 2 इसके साथ रहेगा. तो हमारे पास डिजिट आ गई 8 प्लस 2 रूट 15 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में हम 8 को इस साइड ले जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा. देन वी विल टेक एच सी एफ, राइट? तो इसका एच सी एफ क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 8b². सो हमारे पास आ जाएगा 2√15 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 8b² अपॉन बी स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को हम कहाँ ले जाएंगे? इधर ले जाएंगे, ठीक है? तो रूट 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 8b² अपॉन 2b², राइट? हमारे पास ये रिजल्ट आ गया. अब तुम देखो, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, हमें पता है कि ए और बी क्या है? इंटीजर्स है. जब ए और बी इंटीजर्स हैं तो ये पूरी की पूरी डिजिट क्या हो जाएगी? रैशनल नंबर हो जाएगी, ठीक है? जब इंटीजर्स होते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया, ठीक है? जब हम उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो वो रैशनल नंबर हो जाता है. जब ये रैशनल नंबर है तो भाई इसके इक्वल क्या है? रूट 15. तो रूट 15 भी तो रैशनल नंबर आ गया ना, ठीक है? रूट 15 भी हमारे पास रैशनल नंबर आ गया. बट ये तो गड़बड़ हो गया, रूट 15 तो रैशनल नंबर होता ही नहीं है, वो तो इरेशनल नंबर होता है. तो ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइजन हुई? ड्यू टू आर इनकरेक्ट अजम्पशन. हमने क्या अजम्प्ट किया था? कि रूट 3 प्लस रूट 5 इज रैशनल नंबर, जो कि गलत है. हमने गलत अजम्पशन की थी. हम इस कंक्लूजन पर आ गए कि रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर और यही हमें प्रूव करना था. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. ऑल द बेस्ट.